अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानी दोस्त, मेरे इंडियन वाले दोस्त, सबको दिल ईद मुबारक हो। आज सोतिया की ईद का दूसरा दिन है, तो पाकिस्तान में आज पहला दिन ईद मनाई जा रही है। तो आज हम किचन में खड़े हैं तो बताते हैं कि आज हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट कैसे बन रहा है। तो हसबे कहते हैं जायका और हसबे ज़रूरत, ये हमारे उमर भाई साथ ही हैं, ये पराठे बना रहे हैं बलों वाले। तो आज हम अपने किचन का विज़िट कराते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। गाइस ये आ गया जी हमारे बलों वाले पराठे। आज ईद का दूसरा दिन है सऊदीया में, तो ये हमारे जो एक्सपर्ट हैं उमर भाई। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल की ईद कैसे गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह सौग गुजरी है, बहुत अच्छी। हाँ ये तो बात है कि प्रदेश में तो हमारी सौग ही गुजरती है, तो आज माशाल्लाह पाकिस्तान में आज ईद है, ईद मनाई जा रही है। बस आज खुशी हम बोलिए कि उनकी खुशियों में हमने शामिल हो जाना, हमारी ईद आज हो जानी है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में ईद मना रहे हैं, कि हमें देखो कि हम खुद उठ के सुबह पराठे बना रहे हैं वो? बस यार कुछ नहीं आई कुछ नहीं बोल सकते, और खुद वो बकरे का गोश्त खा रहे हैं, तो हम इधर बेचारे पराठे सूखे नहीं, सूखे तो नहीं बताए वाले पराठे बना के खा रहे हैं। ये हमारे नए दोस्त आ गया पुरम साहब, असगर साहब हैं ये जी, बिलोंग करते हैं सरगोधा से। ऐसे बताते जाए कि ये उमर भाई भी सरगोधा से है, मैं भी सरगोधा से हूँ, और ये भी सरगोधा से है, और ये भी एक्सपर्ट है जी अपने कैंप के। ये जी पराठे बना रहे हैं माशाल्लाह, बड़े प्यारे नज़र आ रहे हैं, जब खाएंगे तो फिर पता चलेगा। बड़ी अच्छी स्मेल भी साथ आ रही है इनकी। चल और हाँ उमर भाई, हाँ जी रोटी तैयार हो गई है? रोटी तैयार हो गई जी। रोटी खा के फिर क्या करना है? फिर क्या करना है घर वालों को? वही चार भाई और वही मोबाइल, नाश्ते के बाद वही चार भाई और वही मोबाइल और ड्रेस भी वही है जो है। वही ड्रेस है, वही शलवार, वही टी शर्ट, बस यही। ईद हमारी जी गुजर रही है, ईद की दूसरे दिन है। ये हमारे अली भाई आ गए हैं मानसेरा से हैं, और पीछे पीछे हाजी प्यार साहब हैं, ये गुजरात से हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ईद की दूसरे दिन की हम फुल तैयारी कर रहे हैं। ये आज बलों वाले पराठे बन रहे हैं। और हाँ जी अभी हम आपको चाय का भी विज़िट करवाते हैं। ये जी हमारी चाय है, ये कराची वाले तसीन भाई रख के चले गए हैं, पता नहीं उधर सो गए हैं, हल्की आंच पे रखी हुई है। चलो जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो, और हमारे लिए भी दुआ करते रहिएगा, और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके उमर भाई हाथ हिला दे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।